सरदार सोही एक स्टेज तो उभरिया होया उस तारा जिसने बॉम्बे इंडस्ट्री दे विच जा के एक्टिंग नू अपना कैरियर बनाया, जिथे उसने स्टेज दे विच अपना नाम कमाया, उत्थे उसने टीवी दे उत्ते ते फिर फिल्मों दे विच भी अपनी एक्टिंग दा लोहा मनवाया। पिछले दिन एक फिल्म रिलीज़ हुई सी पंजाबी दी जिसका नाम सी लगदा इश्क हो गया। ये उस ही ग्रुप की फिल्म सी जिसना ने मेला बनाई सी या बागी बनाई सी। इन्हां फिल्मों विच भी सरदार सोही ने बहुत सोहना एक्ट किया सी। असी अपने झांजर टीवी शो के इंटरव्यू सैक्शन के लैके पेश हो रहे हाँ उस ही सरदार सोही दे नाल एक मुलाकात, जिथे असी उन्होंने उन्होंने नवी रिलीज़ हुई फिल्म लगदा इश्क हो गया बारे गल करांगे। उत्थे असी गलबात कर रहे हैं उन्होंने सफर दी। लो पेश है इस इंटरव्यू का पहला भाग। दोस्तों मैं थोड़ा स्वागत करता हाँ झांजर के इस इंटरव्यू सैक्शन के, जिवें तुहानू पता है कि आप इस सैक्शन के गल करते हैं उन्होंने लोगों के नाल जिन्होंने अपने किसी ना किसी फील्ड में काम किया हो। याद है कि जो असी इतने अपना टीवी चैनल अल्फा पंजाबी देखते सी उस एक बहुत मशहूर टीवी सीरीयल आते सरहद टीवी सीरीयल के बिल्कुल मेन करैक्टर देखा होगा सरदार सोही में, जिसनों तुसी प्यार करते हो, जिसनों तुसी जानते हो। अज असी अपने इस टीवी शो के इस सैक्शन के गल कर जा रहे हैं उसे आर्टिस्ट नाल उसकी नवी आ रही फिल्म लगदा इश्क हो गया बारे। सरदार सोही जी तुहाडा स्वागत है साढ़े झांजर के इस टीवी शो के। धन्यवाद जी। सोही साहब तुहानू जिते सिर्फ इंडिया ही नहीं कैनेडा दे विच भी होर भी जिन्ना कंट्री दे विच टीवी शो साढ़े जाते हैं इंडिया के लगभग 165 कंट्रीज हैं जिथे अल्फा पंजाबी नूं देखा जाता है। असी जिथे इस फिल्म बारे गलबात कर रहे थोड़ी आने वाली बारे पर उत्थे असी चाहुंदे आ थोड़ा बहुत तुहाडे नाल तुहाडे पिछोकड़ बारे गल की जाए जी। तो सानूं दसो कि तुसीं किवें एक्टिंग दे विच किवें अपना एक्टिंग दे विच जिथे कला नाल कह सकते हैं, एक्टिंग तो बहुत बाद विच आई सी। कला मैं छोटा जिहा हुंदा सी 8 साल का, उदों मैं मेरे स्कूल च पिंड टिब्बा मलेरकोटला तहसील दे विच आ जांदा है बड़ी टिब्बा, ते उत्थों दे नकली पुराने जमाने च बड़े मशहूर होए सी कला नाल साडे पिंड दा नाम वी जुड़ जांदा। ते मैं स्कूल च पढ़दा सी उस वेले मैं इक कविता पढ़दा हुंदा सीगा, ते ਉਹ ਕਵਿਤਾ ਜਦੋਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਜਿਵੇਂ ਆਹ ਸਾਹਮਣੇ ਟੇਬਲ ਪਿਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਅਧਿਆਪਕ ਸੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਚੁੱਕ ਕੇ ਟੇਬਲ 'ਤੇ ਖੜਾ ਦੇਣਾ ਚੱਲਦੇ ਪਰਮਜੀਤ ਸਿੰਘ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾ। ਮੈਂ ਉਦੋਂ ਕਵਿਤਾ ਸੁਣਾਉਣੀ, ਕਵਿਤਾ ਸੀ ਦਿੱਤੇ ਚਾਹ ਚੰਦਰੀ ਨੇ ਪੱਟ ਪੈਣਾ। ਅਤੇ ਉਦੋਂ ਤੋਂ ਜਿਹੜਾ ਦਰਸ਼ਕਾਂ ਸਾਹਮਣੇ ਜਾਣਾ ਜਾਂ ਜੋ ਇੱਕ ਕਲਾ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ, ਮੈਂ ਸਿੰਗਰ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਿਆ ਲੇਕਿਨ ਐਕਟਰ ਬਣ ਗਿਆ ਸੀ। ਤੁਸੀਂ ਹੁਣੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਗੱਲਬਾਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਣਾ ਨਾਮ ਲਿਆ ਪਰਮਜੀਤ। ਹਾਂਜੀ। ਅਤੇ ਪਰਮਜੀਤ ਤੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੋਂ? ਉਹ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦਾ ਸੀ ਮੈਂ, ਹਰਪਾਲ ਟਿਵਾਣਾ ਜੀ ਜੋ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਰਹੇ, ਟਿਵਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਨਾਲ ਥੀਏਟਰ ਕਰਦੇ ਕਰਦੇ ਉਹ ਜਦੋਂ ਕਦੇ ਲੋਕਾਂ ਨਾਲ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕਰਾਉਂਦੇ ਨਾ ਤਾਂ ਉਹ ਅਕਸਰ ਪਰਮਜੀਤ ਕਹਿਣਾ ਕਈ ਵਾਰੀ ਭੁੱਲ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਸੋਹੀ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਫਿਰ ਇਹ ਹੋਇਆ ਕਿ ਕੁਛ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਐਕਸਪੀਰੀਅੰਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਉਸਤਾਦ ਜੀ ਸਨ ਗੁਰੂ ਜੀ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਮਿਹਰ ਹੋਈ, ਕੁਛ ਕਲਾ ਦੇ ਖੇਤਰ ਵਿੱਚ ਥੋੜ੍ਹੀ ਪਕੜ ਮਜ਼ਬੂਤ ਹੋਈ, ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਵੀ ਇਹ ਮੇਰਾ ਸੋਹੀ ਹੈ ਕਲਾਕਾਰਾਂ ਦਾ ਸਰਦਾਰ, ਉੱਥੋਂ ਸਰਦਾਰ ਸੋਹੀ ਹੋ ਗਿਆ ਮੈਂ। ਤੁਹਾਡਾ ਫਿਲਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਜਾਣਾ ਹੋਇਆ ਜਦੋਂ ਤੁਸੀਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਗਏ ਅਤੇ ਫਿਲਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਇੰਟਰੋਡਕਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੀ? ਥੀਏਟਰ ਸ਼ਾਇਦ ਨਾ ਛੱਡਦੇ, ਬੜਾ ਨਸ਼ਾ ਹੈ ਥੀਏਟਰ ਦਾ, ਬਹੁਤ ਵਾਹਵਾ ਖੱਟੀ, ਜਿਹੜੇ ਬੁੱਧੀਜੀਵੀ ਵਰਗ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਬੜੇ ਸੋਹਣੇ ਸੋਹਣੇ ਕੰਪਲੀਮੈਂਟਸ ਮਿਲੇ। ਡਾਕਟਰ ਅਤਰ ਸਿੰਘ ਬਾਬਾ ਫਰੀਦ ਸ਼ੇਅਰ ਦੇ ਹੈੱਡ ਹੁੰਦੇ ਸੀ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਮੈਂ ਨਾਟਕ ਕਰ ਰਿਹਾ ਸੀ ਹਿੰਦੀ ਵਿੱਚ ਰਾਮਲੀਲਾ, ਤਾਂ ਉਹ ਰਾਮਲੀਲਾ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਇੱਕ ਕੈਰੈਕਟਰ ਅਦਾ ਕੀਤਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ। ਹੁਣ ਮੇਰੇ ਵਰਗਾ ਬੰਦਾ ਹਨੂੰਮਾਨ ਖੇਡ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਲੋਕ ਹੱਸਣਗੇ, ਲੇਕਿਨ ਮੈਂ ਉਸਨੂੰ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੰਭਾਲਿਆ।
मैं कहना मेरी ही एक सोच सी कि मैं उन संभाला कि हनुमान जी नूं बहुत ताकतवर मनिया जाता तो मैं क्या मैं ताकतवर मैं फिजिकली तो है नहीं तो उन्हों संभालने वास्ते मैं जो उस करैक्टर दियां बरीकियां खेडियां उदेत मैनू डॉक्टर साहब ने कहा कि सरदार सोही हैज गिवन न्यू डायमेंशन टू हनुमाना तो इस तरह उत्थे ताड़ियां भी कटियां वाहवा भी कटी वो करते करते फिर शायद जड़ी मैं पहला गल कह चुकी हाँ कि मैं फिल्मों वल ना मुड़दा टिवाणा साहब के शिगिरद ने राज बब्बर साहब राज बब्बर की फिल्म हिट हो गई टिवाणा साहब को आया तो राज ने कहा कि उस्ताद जी फिल्म बना लो मैं स्टार हो गया तो उन्होंने राज बब्बर लैके फिल्म शुरू हो गई लौंग का लिशकारा उहदे विच मैं ना मेरा टाइटल च नहीं आया पर उस फिल्म च मेरा योगदान सी एज डायलॉग राइटर भी तो मैं उहदे च एक किरदार बहुत मशहूर होया सी गुलाबो मासी तो गुलाबो मासी का हसबेंड से एक करैक्टर ताया नारा वो मैं खेडिया सी ओमपुरी जी भी है उहदे च ओमपुरी ताया नारा गुलाबो मासी ये बहुत ही सोहने किरदार सन उस फिल्म के तो उतों मैं मोड़ ले रहा इधर फिल्मों वाले।